नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे बेस्ट ऑडियो इंटरफेस के बारे में जो कि आप इजीली परचेस कर सकते हैं अंडर ₹10,000। और अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं एज ए बिगिनर म्यूजिक प्रोडक्शन में या फिर रिकॉर्डिंग में, तो ये जो पांच बेस्ट जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑडियो इंटरफेस, ये आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। इसी तरह से इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा ऑडियो इंटरफेस यूज़ करता हूँ एंड उसका परफॉर्मेंस कैसा है एंड उसमें कौन से यहाँ पर फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है बेहरिंगर का UM2। ये मॉडल नंबर है इसका N2x2 ऑडियो इंटरफेस विद USB 2.0। तो सबसे पहले आप यहां पर इसका एक इमेज प्रीव्यू डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी बैक पैनल देख सकते हैं। तो इसमें आपको आउटपुट के लिए लेफ्ट राइट का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, USB का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप इजीली अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके किसी भी DAW सॉफ्टवेयर में इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर +42V मतलब कि आपको यहाँ पर फैंटम पावर भी देखने मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। और अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माइक इनका ऑप्शन दिया है, मतलब कि माइक एंड लाइन इनका आपको एक ही ऑप्शन दिया है। बेसिकली अगर आप बिगिनर है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह का पोर्ट है, क्योंकि हम नॉर्मली जैक यूज़ करते हैं या फिर माइक्रोफोन का कंडेंसर माइक्रोफोन का एक अलग केबल आता है। बट यहाँ पर आप ये जो बीच वाला इसमें पार्ट देख रहे हैं उसमें आप जैक केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक कॉमन सी बात है ये, और अगर आप में से किसी को नहीं पता हो इसलिए मैं जस्ट ये एक बेसिक बात यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे आपको कुछ बटन्स देखने मिल जाते हैं, डायरेक्ट मॉनिटर जो भी आप लेना चाहें। इसी तरह से यहाँ पर आपको हेडफोन्स का ऑप्शन दिया है, ताकि आप जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में से जो भी ट्रैक बज रहा है वो भी आपको हेडफोन में सुनाई देगा। एंड इसी तरह से जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी आपको अपने डायरेक्ट हेडफोन में सुनाई देगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके कुछ नोब्स दिए हुए हैं, कंट्रोलर्स दिए हुए हैं, ईजिली कंट्रोल वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि अराउंड आपको मिल जाएगा 5,500 की रेंज में। आप इसकी करंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसी तरह से मे बी टाइम के साथ इसकी प्राइस चेंज हो जाए तो मैं इसकी बेस्ट बाय लिंक नीचे दे दूंगा एंड वहाँ पर जाकर आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑडियो इंटरफेस है जूम का U22 हैंडी ऑडियो इंटरफेस, तो जिसका आप इमेज प्रीव्यू यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आउटपुट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, उसके नीचे गेन का ऑप्शन, नीचे जूम की ब्रांडिंग है, इसी तरह से कुछ LED पावर की लाइट्स एंड फैंटम की लाइट्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। बात करें इसकी सेकंड पैनल के बारे में तो यहाँ पर आपको ऑक्स लाइन इन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, फिर मेन लाइन इन में आपको माइक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, उसके बाजू में आपको फोन्स का ऑप्शन, हेडफोन्स आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो माइक लाइन इन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका, समझ लीजिए आप माइक तो कनेक्ट करते ही हैं, बट अगर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई गिटार रिकॉर्ड करना है, ऑक्टापैड रिकॉर्ड करना है, कीबोर्ड रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आपको बीच में जैक इनपुट का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आप इजीली जैक भी यहाँ पर कनेक्ट करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका जैक यूज़ होता है, जैक केबल यूज़ होता है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ पर इजीली कनेक्ट करके यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें इसकी एक और दूसरी पैनल, मतलब साइड वाली पैनल के बारे में, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मॉनिटर ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इजीली आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर 48V ऑन ऑफ, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि 48V का मतलब क्या होता है, तो वो होता है फैंटम पावर। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ कि फैंटम पावर एक्चुअली होता क्या है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स एंड कुछ ऐसे कंडेंसर माइक्स होते हैं जिसमें आपको अलग से पावर देना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पर 48V को ऑन करते हैं, उसे पावर देने के लिए, उसे रन करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए। तो हालांकि फैंटम पावर की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी हो सकती है, बट मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ पर्टिकुलर ऐसे इक्विपमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको पावर देने के लिए हमें यहाँ से अलग से इस पर्टिकुलर ऑडियो इंटरफेस से पावर देना पड़ता है, तो जो कि है फैंटम पावर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाजू में आपको वहाँ पर पावर सप्लाई का ऑप्शन देखने मिलता है, मतलब पावर सोर्स का ऑप्शन देखने मिलता है। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख सकता हूँ, USB एंड बैटरी। तो USB मतलब कि जो आप अपने कंप्यूटर के साथ या फिर अपने लैपटॉप के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली उसे पावर मिल जाएगा, डायरेक्टली वो ऑन हो जाएगा। बट अगर आपको बैटरी के थ्रू रन करना है तो यहाँ पर आपको बैटरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर इसकी लास्ट पैनल देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह से आपको बाजू में यहाँ पर USB का ऑप्शन दिया है, जो कि मैंने बताया आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर के साथ। और यहाँ पर आपको DC 5 वॉट इनका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो अगर आप इसे USB के थ्रू रन करना चाहते हैं फिर भी आप उसे USB के थ्रू भी रन कर सकते हैं, एंड अगर आप इसे अलग से पावर सप्लाई देना चाहते हैं उससे रन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा Zoom का U22 जो कि आपको अराउंड मिल जाएगा 6500 की रेंज में। इसकी भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्सट्रीम एकोस्टिक का स्टूडियो 2 Gen 2 सिल्वर ड्यूअल चैनल USB ऑडियो इंटरफेस। हालांकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके इमेज प्रीव्यू की तरफ। तो अगर आप इसकी सबसे पहले फ्रंट पैनल देखेंगे तो फ्रंट पैनल में आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सट्रीम एकोस्टिक्स की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। उसके बाजू में आपको माइक्रोफोन इन का, मतलब कि आपको लाइन इन एंड माइक्रोफोन इन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाजू में आप देख सकते हैं 48V फैंटम पावर, यहाँ पर आपको फैंटम पावर देखने मिल जाएगा। इसी तरह से इंडिविजुअल अगर आपको चेक करना हो तो आपको अलग से नोब्स भी दिए हुए दोनों के, एंड फोन्स का अलग से आपको नोब दिया हुआ है, तो इजीली आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी बैक पैनल में, तो बैक पैनल में देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैक पैनल से पहले यहाँ पर इसका एक और इन्फॉर्मेटिव हमें इमेज मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंडेंसर माइक कनेक्ट कर सकते हैं, डायनेमिक माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसमें बताया 48V मतलब फैंटम पावर फॉर कंडेंसर माइक्रोफोन। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जो हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि कंडेंसर माइक क्यों यूज़ किया जाता है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट किया है इसे कि फैंटम पावर फॉर कंडेंसर माइक्रोफोन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट्स एंड चैनल 1 चैनल 2 फोन्स का ऑप्शन दिया है एंड मेन का ऑप्शन दिया, मतलब आउटपुट के लिए जो आप आउटपुट कनेक्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट इसका लुक। एंड अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको USB का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जो कि मोस्टली सारे ऑडियो इंटरफेस में कॉमन ही है। USB आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ऑडियो इंटरफेस को पावर दे सकते हैं, अपने PC से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसमें एक यूनिक फीचर जो मेरे को देखने मिला है वो है MIDI इन एंड आउट का। हालांकि ये जो MIDI इन एंड आउट है आपने कीबोर्ड में देखे होंगे इन एंड आउट जो कनेक्ट होते हैं MIDI, जैसा कि अगर मैं Roland XPS 30 की बात करूँ या फिर Roland XP 30 की बात करूँ, तो जो पुराने जो कीबोर्ड्स होते थे उसमें हालांकि इसी तरह के MIDI यूज़ होते थे, बट हम अभी USB वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं MIDI, और ये वाला MIDI भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के ऊपर टोटली। उसके बाजू में आपको मिलता है मेन आउटपुट का ऑप्शन, मतलब कि ऑडियो इंटरफेस में आपका जो पर्टिकुलर ऑडियो इंटरफेस है उसके अंदर जो भी चीज़ प्ले होगी वो आउटपुट में आपको अगर देना है डायरेक्टली, अगर आपको साउंड के साथ कनेक्ट करके आउटपुट में देना है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। लेफ्ट एंड राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर LNR लिखा हुआ है दोनों में, तो आप लेफ्ट एंड राइट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। फोन्स का ऑप्शन दिया है, बेसिकली आप सिंपली अपना हेडफोन कनेक्ट करके इसका यहाँ पर मॉनिटर ले सकते हैं, और ये मिलेगा आपको अराउंड 6000 की रेंज में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसा कि इसमें कुछ अलग वैरायटी थी, इसके पहले वाला जो प्रोडक्ट था उसमें कुछ अलग आपको देखने मिला। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड एंड उनके फीचर्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑडियो इंटरफेस है Behringer का UMC 22 2x2 USB ऑडियो इंटरफेस। तो बेसिकली ये आपको मिल जाएगा अराउंड 6000 से लेकर 6500 की रेंज में, और इसी तरह से इस पर्टिकुलर ब्रांड का हमने प्रोडक्ट पहले भी देखा था, फर्स्ट प्रोडक्ट हमने इसी ब्रांड का देखा था। और अगर हम बात करें इसके सबसे पहले वाली पैनल के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट का बाजू में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्टली जो आप ऑडियो इंटरफेस देखेंगे आप उसका जो फंक्शनिंग है सब में मोस्टली सेम होता है, जैसा कि मैंने बताया आउटपुट्स में, जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा था लेफ्ट एंड राइट आउटपुट दिया हुआ है, 48 वोल्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया फैंटम पावर, USB का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और आप यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखें तो आपको Gain 1 एंड Gain 2, ये दो इसलिए दिए हुए हैं, तो ये Gain 1 जो है ये फर्स्ट वाले का है एंड ये जो Gain 2 है ये सेकंड वाले का है। हालांकि ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, बट अगर आप में से कोई यहाँ पर इस वीडियो को कोई बिगिनर देख रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ प्रोडक्ट के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, सो मे बी आपको पता ना चले, इसलिए जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको आउटपुट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, डायरेक्ट मॉनिटर आपको देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है, मतलब आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ पर
हेडफोन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे आज का लास्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड का AI22 2x2 USB ऑडियो इंटरफेस विद बिटविक 8-track सॉफ्टवेयर। हालांकि मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा ऑडियो इंटरफेस अभी यूज करता हूँ एंड उसका क्या रिव्यू है। तो ये पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट है जो कि मैं अभी मैंने इसे परचेज किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी लिखा है यू लास्ट परचेज दिस आइटम ऑन 13 December 2021। तो मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बट मैंने इसे अभी परचेज किया है थोड़े दिन पहले ही एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर ऑडियो इंटरफेस का। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है इसका अनबॉक्सिंग एंड इसका रिव्यू एंड इसमें क्या क्या फंक्शंस एंड फीचर्स क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक आपको दे दी है। अगर हम बात करें इसकी करंट प्राइस के बारे में तो वो हालांकि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, इसका कुछ स्टॉक अवेलेबल नहीं है एंड प्राइस भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं बता रही है। बट मैंने जब इसे परचेस किया था तो तब मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता है, वो था 6999, मतलब 7000 का ये मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस किया था अमेज़ॉन से। सेम प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था। तो हालांकि हम यहाँ पर इमेज प्रीव्यू देखें, इससे अच्छा कि आप पूरा वीडियो जाकर ही देखिए जहाँ पर मैंने इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है। बट अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को देख लिया, तो लास्ट प्रोडक्ट का भी एक हम छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चैनल, आपको दो अलग अलग चैनल देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर 2x2 चैनल आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट 1 इनपुट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है एंड उसका वॉल्यूम जो है गेन वाला जो ऑप्शन है उसके बाजू में ही दिया हुआ है, मतलब दोनों के आजू बाजू में ही दिया हुआ है ये चीज़। नीचे जैसा कि मैंने बताया फैंटम पावर, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में फैंटम पावर के बारे में, उसी तरह से यहाँ पर फ़ोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, हेडफोन्स का ये कॉर्नर में ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो बड़ा वाला आपको नोब दिख रहा है वो है आउटपुट के लिए। तो अगर मैं इसकी बैक पैनल के बारे में बात करूं तो काफ़ी डिटेल में तो नहीं, बट दो तीन ऑप्शन ही दिए जो कि आपको ज़्यादातर मैंने आगे सारे ऑप्शंस बता दिए जो कि कॉमनली देखने मिलेंगे, जो कि ये लाइन आउटपुट का लेफ्ट राइट लाइन आउटपुट आपको इसमें देखने मिल जाएगा। USB 2.0 का यहाँ पर पोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। ईजिली कनेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खास बात एक ये लगे कि आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ये फ्री यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे अगर ऑडियो इंटरफेस परचेस करना है तो साथ में मुझे कोई सॉफ्टवेयर भी परचेस करना पड़ेगा इसको पर्टिकुलरली रन करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप ये वाला पर्टिकुलरली परचेस करते हैं ये वाला ऑडियो इंटरफेस, तो आपको इसमें ये वाला जो सॉफ्टवेयर है बिटविक 8-track सॉफ्टवेयर वो आपको फ्री मिलेगा। मतलब इसी बॉक्स में आपको कार्ड मिलेगा जिसमें उसका लाइसेंस दिया हुआ है। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र से डाउनलोड करना रहेगा ये सॉफ्टवेयर को, और जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे, जब वो आपको लाइसेंस की मांगेगा, तो वो आपके यहाँ पर जो साथ में कार्ड आएगा इसमें उसमें पर्टिकुलरली दिया हुआ होगा। तो ये है वर्ल्ड कंपनी का AI22 और इसकी प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने परचेस किया था 6999 में, एग्जैक्ट 6999 में, मतलब 7000 में मैंने इसे परचेस किया था एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मैंने काफ़ी सारे जो कीबोर्ड के वीडियोस है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, मैंने इसी पर्टिकुलर ऑडियो इंटरफेस को लेके रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर मैंने मल्टीपल कीबोर्ड्स भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, एक चैनल में दूसरा कीबोर्ड, दूसरी चैनल में दूसरा कीबोर्ड, सो इस तरह से भी मैंने रिकॉर्ड किया है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। खास बात यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप USB से कनेक्ट करेंगे एंड आप यहाँ पर इसे एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे ऑडियो इंटरफेस है जैसा कि हमने देखा जिसमें आपको अगर DC इनका ऑप्शन चाहिए तो वो भी आपको USB पावर के अलावा भी आपको वहाँ पर पावर सप्लाई का ऑप्शन देखने मिल जाता है, बट इसमें आप सिंपली USB को यूज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखे ऐसे कुछ 5 बेस्ट ऑडियो इंटरफेस जो कि आप परचेस कर सकते हैं अंडर ₹10,000 अगर आप एक बिगिनर है या फिर आपको अभी अगर अपने म्यूजिक में जर्नी शुरू करनी है, लो बजट से अगर शुरू करना है, तो ये कुछ 5 बेस्ट ऑडियो इंटरफेस की डील मैंने आपके सामने रखी है इस वीडियो में एंड इसकी बेस्ट बाय लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर जाकर आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स, उसकी करंट प्राइस एंड उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।